हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपको कहते हैं वेलकम। मैं हूं हमेशा की तरह आरजे रफाकत मीर और मेरे साथ मौजूद हैं अदनान मीर। सो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम करने वाले हैं रिएक्शन, बड़े मजे की वीडियो होने वाली, बड़े कैंड सा रिएक्शन होने वाला है और उसके बारे में बताएंगे आपको अदनान भाई। ये वीडियो है जो 15 अगस्त को एक यूट्यूबर है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि आईफोन और इंडियन फ्लैग का लोगों को कि वो फ्लैग लेंगे या आईफोन लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि लोग आईफोन भी एक अगर भी 13 प्रो तो अच्छी कीमत है, लेकिन देखेंगे कि लोग किसकी कीमत आईफोन लेंगे या इंडियन फ्लैग लेंगे। वैसे जो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए या हमारे हिसाब से देखा जाए वो ये है कि फ्लैग की जो कीमत है वो आईफोन या कोई भी हो सकती है। चलो वीडियो में देखेंगे क्या होता है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। सो गाइस, करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। एक झंडा है अपने इंडिया का और अपने आईफोन 11 प्रो मैक्स, तो आपको दोनों में से एक चीज लेनी होगी, तो आप कौन सी वाली चीज लोगे? अभी ये टाइम है, इस टाइम है। इनका रीजनल जो लिंक है वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर उनको सभी लोगों को फॉलो करें, उनकी वीडियो सेलिब्रेट करें, वीडियो ओरिजिनल वीडियो का हम जो है ना लिंक डाल देंगे। तो इसके लिए हर जगह जगह पे ना बीएमसी ने देखा है, गवर्नमेंट ने अपने हर जगह जगह पे फ्लैग दिखना चाहिए उन्होंने बोला है, देन घर घर जाके सभी लोगों को फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वो काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है बीएमसी ने, तो मुझे तो काफी पसंद आया। तो अपन लास्ट इंडिपेंडेंट डे को एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो पे हो गए 2.2 करोड़ व्यूज। भाई मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया भाई इतने सारे व्यूज आएंगे, तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना प्यार और सपोर्ट किया उसके लिए। तो लास्ट टाइम अपन क्या किए थे, अपन किए थे लास्ट टाइम फ्लैग वर्सेस मनी, बट अपन इस बार कुछ अलग करने वाले, बहुत ही एक्साइटिंग। तो फ्लैग वर्सेस आईफोन का चैलेंज अपन करने वाले हैं। एंड हाँ भाई, इसके अंदर असली वाला आईफोन है, ये देखो आपको मैं खोल के बताता हूँ। हाँ खुल जा भैया, खुल जा सिम सिम। इसके अंदर आईफोन 11 प्रो मैक्स, भाई देख रहे हो प्रो मैक्स मिडनाइट ग्रीन क्लासिक कलर में। तो ये एक्सपेरिमेंट अपन करने वाले हैं, आईफोन वर्सेस फ्लैग। तो देखते हैं भाई लोग कितने लालची हैं एंड कितने देश लेकर लॉयल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकलते रोड पे एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स गो। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखो ना चारों तरफ पूरे फ्लैग से फ्लैग्स लगे हुए हैं, लेफ्ट साइड में देखो देन हर जगह पे फ्लैग से फ्लैग्स, हर बिल्डिंग के बाहर एकदम मस्त तिरंगा ऐसा फड़क रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। देखो राइट साइड में कितना मस्त लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा काम किया भाई। ये देखो पूरे फ्लैग से फ्लैग है बस यार। ये मतलब इंडिपेंडेंस डे होने के बाद होपफुली लाइक रास्ते के नीचे गिरे हुए ना मिले फ्लैग्स। प्लीज़ अगर आप लोग भी कहीं पे फ्लैग देखते हो तो प्लीज़ रास्ते पे अगर गिरा हुआ फ्लैग होगा तो उठा लेना एंड उसको घर पे रख देना। मैं इसलिए पेपर के फ्लैग लेके आया हूँ ताकि वो पानी में डिजॉल्व हो सके। आपको ये दो चीज़ में से एक चीज़ लेनी है, तो कौन सी वाली चीज़ लोगे आप? झंडा क्यों? आजाद है हिंदुस्तान। आईफोन में लोगे? 1.5 लाख रुपए का फोन है भाई, हम लोग ये छोटा मोटा में चलता है जिंदगी, चलने दो। झंडे से बढ़कर है? झंडा से बढ़कर नहीं है, झंडा से बढ़कर। अच्छा चलो, अच्छा लगा सुन के। एक रेडी वाला कहने के उसके लिए 1.5 लाख रुपए का फोन बहुत मानी रखता है, मानी रखता है। चलो शुक्रिया, जय हिंद। अगर ये दो चीज में से आपको एक चीज लेने बोलोगे तो आप कौन सी चीज लोगे? ये क्यों? अच्छा तो क्या लोगों को क्या मैसेज दोगे? मैसेज थैंक यू। ये झंडा है और एक आईफोन है, आप दोनों में से कौन सी चीज लोगे? हाँ क्यों झंडा? बच्चे भी यानी कि बच्चों को तो लालच होना चाहिए, लेकिन देखो लेकिन नहीं देश है तो लोगों को क्या मैसेज दोगे? और उसका क्या फायदा होगा? आप मोबाइल में गेम खेल सकते हो, तो बोलो जय हिंद। चलो थैंक यू भाई। बच्चे लोग भी मतलब एकदम टैलेंटेड और एकदम खतरनाक हो गए भाई, तो एक बच्चे लोग में भी अवेयरनेस है
लाइक मोबाइल से बढ़कर हमारा झंडा है, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो बोलते हैं ना, मुझे मुझे एकदम दिल को छू गया भैया। तो सब तो बोलते हैं, सब लोग लगाओ, घर पे लगाओ, जा अपना जो दुकान है वहाँ पे लगाओ। मैंने दुकान पे भी लगा दिया। अच्छा, कहाँ पे दुकान है आपका? स्टोर है ना। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है, चलो जय हिंद। एक झंडा है अपने पास इंडिया का, और अपने पास आईफोन 11 प्रो मैक्स। तो आपको दोनों में से एक चीज लेनी होगी, तो आप कौन सी वाली चीज लोगे? अभी ये टाइम में। हाँ, क्यों झंडा क्यों लिया? यादगार रहेगा, पूरा साल में एक बार आता है। हाँ, हिंदुस्तान का हूँ मैं भी। हाँ हाँ, चाहिए झंडा का सलामी दूंगा। तो लोगों को क्या मैसेज दोगे? बस वंदे मातरम, जय हिंद। चलो जय हिंद, थैंक यू। तो दोनों में से आप कौन सी वाली चीज लोगे? क्यों झंडा क्यों लोगे? दे रहा हूँ ना आपको झंडा। ये लो झंडा लो। मेरे घर में भी रेडियो नहीं है, रेडियो नहीं होंगे पाएंगे। तो आप क्या क्या बोलोगे आप इंडिया, क्या मैसेज दोगे इंडिया को? इंडिया को क्या मैसेज दोगे? इंडिया, इंडिया, थैंक यू, जय हिंद। गेट पे झंडे कितने मस्त प्यारे प्यारे लग रहे भाई। ओहो हो, क्या खतरनाक लग रहा है यार, सॉलिड लग रहा है भाई, सॉलिड लग रहा है। आई थिंक रैली वगैरह है, वैसे ही उन्होंने सबको कहा झंडे लगाओ ना। सच लगता है भाई, हैंड भी है ना रैली। हाँ, रैली सारे राजस्थान बाइक रैली हमने। मैं तो वीडियो में ज्यादा खो गया था। सुपर यार, वैसे ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सो फाइनली हो गया वीडियो समाप्त। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ओके गाइस, वीडियो तो हमें बहुत पसंद आया, इसमें कोई शक नहीं है, वीडियो मजे का था। सबसे मेन चीज ये थी कि देखो आईफोन यानी कि 1.5 लाख का बहुत बढ़िया है कीमत है, लेकिन उनसे पूछा भी तकरीबन सब जो पुअर पीपल्स, मतलब आप देख लो बहुत ज्यादा गुर्बत में डूबे हुए वाले। और बाकी तो छोड़ो बच्चों को क्या, बच्चों का आपने सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें तिरंगे ये चाहिए। और क्या बात है, बड़ी बात है यार, होनी भी चाहिए। देश से प्यार होना चाहिए, बिल्कुल हर शख्स को होना चाहिए। नहीं कह सकते आपके वैसे, हर कंट्री के बंदे को होता है, को अपने कंट्री से होना चाहिए, अपने झंडे से प्यार है, हमेशा रहना चाहिए, हर एक के झंडे की एहतराम करना चाहिए, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखी थी, इंडिया के अंदर की थी, तो उसमें उसने एक पाकिस्तान का झंडा रखा हुआ था और एक इंडिया का, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के झंडे को आग लगाने लगाऊं, तो उस बंदे ने उसको पाकिस्तान के झंडे को आग नहीं लगाने दी, कहा कि ये भी एक देश का झंडा है। बिल्कुल ठीक है, सो ये भी उनके लिए एक इज्जत, जिस तरह हमारे दिल में हमारे तिरंगे की इज्जत है, इस तरह उनके दिल में उनके तिरंगे की इज्जत होगी। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इस चीज़ से हमें बड़ा अच्छा लगा। प्यार अभी भी बहुत प्यार है यार, ये बाज लोग हैं बीच में जो थोड़ा बहुत गड़बड़ करने वाले हैं, ठीक है। बाकी गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन इजाजत लेने से पहले एक काम बहुत जरूरी है, वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। इसके साथ चाहेंगे इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।